हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो YT। तो इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे टेम्परेचर कंट्रोलर एप्लीकेशन, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कराएंगे। तो ये रिएक्ट जो इसकी बिगिनर सीरीज है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्ट के एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करें, जहाँ पर भी आपको रिएक्ट के एप्लीकेशन को क्रिएट करना है, तो उस पाथ को कमांड प्रॉम्प्ट या फिर टर्मिनल में आप ओपन कर लें। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ कर रहा हूँ, और उसके लिए हम कमांड लिखेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसके बाद में एप्लीकेशन का नाम, जैसे कि हमारे केस में मैं कर देता हूँ टेम्परेचर ऐप, और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये एप्लीकेशन जो है क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। 3 से 4 मिनट इसको क्रिएट होने में लगते हैं, मेक श्योर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे, और यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है क्रिएट हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, इस डायरेक्टरी के अंदर यानी प्रोजेक्ट जो अभी क्रिएट हुआ है उसके अंदर स्विच होना है। तो cd टेम्परेचर ऐप, एंटर प्रेस करें, cls, और इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे। तो उसके लिए आपको लिखना है कोड स्पेस डॉट, एंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, साथ ही में इसको हम रन करा देंगे। आप चाहे तो विजुअल स्टूडियो कोड का इंटीग्रेटेड टर्मिनल भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे npm स्टार्ट कमांड, तो ऑटोमेटिकली हमारी एप्लीकेशन लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे जो है रन हो जाएंगी, और जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर रहेगा उसमें ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगी। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर जो है रन हो रही है। जब तक ये रन हो रही है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट बूटस्ट्रैप का जो है cdn लिंक कॉपी कर लेंगे। फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप डॉक्स पर क्लिक करिए और cdn लिंक हम जो है कॉपी कर लेंगे। ये रहा लिंक, इसको कॉपी कर लेंगे, और डिफॉल्ट लेआउट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है हमारी एप्लीकेशन का, तो इसको टोटली हम चेंज कर देंगे। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। सबसे पहले जो है इंडेक्स में बूटस्ट्रैप के लिंक को जो है पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ से आप क्या करें, इस कमेंट को रिमूव कर लें, लिंक पेस्ट कर दें बूटस्ट्रैप की, सेव। एप्लीकेशन का टाइटल यहाँ से चेंज कर लेंगे, इसको कर देंगे टेम्परेचर है, सेव कर लेते हैं इसको, और चलते हैं app.css में। इसमें से सारा कोड हम रिमूव कर लेंगे, सेव। इसी तरीके से index.css में से सारा कोड रिमूव कर लेंगे, सेव। app.js में से भी सारा कोड रिमूव कर लेंगे। हेडर वाला पार्ट आप क्या करें, यहाँ से रिमूव कर लें, और यहाँ से आप app.css और लोगो की फाइल को भी रिमूव कर लें, और इस क्लास नेम को भी रिमूव कर लेंगे हम, और इस div के बदले क्या करेंगे, सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म यूज़ कर लेंगे रिएक्ट फ्रेगमेंट का। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, h1 को ऐड कर देंगे, और इसका नाम हम रख देंगे टेम्परेचर ऐप, सेव। चेक कर लेते हैं इसको एक बार। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन जो है दिखाई देंगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है स्केलेटन क्रिएट करेंगे, एक कंटेनर की क्लास टॉप पे क्रिएट कर लेंगे कंटेनर, और इसके अंदर जो है h1 को ले लेंगे, या फिर h1 रिमूव कर देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। हम स्केलेटन जो है क्रिएट कर लेंगे। इस कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, एक क्लास ले लेंगे कार्ड की, और कार्ड के साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर bg लाइट कर देंगे, और इसको यहाँ पर विड्थ दे देंगे हम। तो विड्थ के लिए आपको क्या करना है, इनलाइन स्टाइल का यूज करना है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको विड्थ दे देंगे, विड्थ ऑफ 10 rem ठीक रहेगा। और इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ एक h1 को ले लेना है, h1, इसके अंदर हम लिखेंगे टेम्परेचर, इसको हमको जो है स्टेट की मदद से गेट करना है, लेकिन फिलहाल के लिए हमने ऐसा ऐड करके रखा है। क्लास नेम इसको भी दे देंगे क्लास नेम, इसको भी कार्ड की क्लास दे देंगे कार्ड, टेक्स्ट लाइट कर देंगे, और थोड़ा इनलाइन स्टाइल भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, जैसे कि इसकी जो हाइट है उसको हम 150 पिक्सल कर देंगे। विड्थ भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है ना 150 पिक्सल कर देता हूँ, विड्थ ऑफ 150 पिक्सल, और बॉर्डर इसमें हम ऐड कर देंगे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड #666, सेव कर लेते हैं इसको, चेक कर लेंगे कैसा दिख रहा है। तो देखिए कार्ड के अंदर कार्ड शो कर रहा है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कार्ड को जो है ना पैडिंग दे देंगे 2 की, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए थोड़ा सा हमको पैडिंग देखने मिल जाएगा, और इसको 11 rem कर देते हैं हम, 11 rem, अब ठीक है। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटन को जो है ऐड कर देंगे, तो एक और डिव ले लेता हूँ मैं डिफ्लेक्स के नाम से, डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसके अंदर बटन को ऐड कर देंगे बटन, इसको भी क्लास नेम दे देंगे btn, btn डार्क, और btn lg कर देंगे इसको, और इसमें रहेगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कॉपी पेस्ट, इसको कर देंगे प्लस, सेव कर लेते हैं इसको, चेक कर लेंगे। तो देखिए दोनों बटन हमारे पास आ चुके हैं, और इनको जो है मार्जिन दे देंगे हम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे m2 कर देंगे दोनों को, m2 सेव। तो देखिए यहाँ पर बराबर से मार्जिन भी हमारे पास है, और टेम्परेचर इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे डायनेमिकली जो है एक्सेस करेंगे, कैसे,
उसके लिए हमको स्टेट लगेगा। टॉप पे आप क्या करें, सबसे पहले रिएक्ट को इंपोर्ट कर दें, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, यू स्टेट हुक को जो है ऐड कर देंगे, और इसके लिए एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट टेम्परेचर, सेट टेम्परेचर इक्वल टू यू स्टेट, इनिशियली इसको जीरो कर देंगे। अब यहाँ पर डायरेक्टली हम डायनेमिक टेम्परेचर जो है पास करा सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेम्परेचर, और टेम्परेचर का आइकन भी आप यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, गूगल में सर्च कर लेंगे टेम्परेचर साइन, और ये वाले साइन को जो है कॉपी कर लेंगे और उसके बाद में पेस्ट कर लेंगे और सी लगा देंगे, यानी सेल्सियस में। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार, ये रही एप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ पर ये बराबर से आ रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमको क्या करना है, ये जो जीरो है इसकी वैल्यू के बेसिस पे जो है बैकग्राउंड चेंज करना है। अभी फिलहाल क्या है, यहाँ पर ये लाइट बैकग्राउंड है, इसमें हमको जो हमारा टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको हमको चेंज करना है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। ये जो H1 है इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेम्पलेट लिटरल का यूज करेंगे, तो आपको क्या करना है, बैकटिक का यूज करना है, जो भी क्लासेस है ना उसको हम बैकटिक में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर बैकटिक कर्ली ब्रेसिस से आप इसको रैप कर लें, इसके अंदर हम क्या करेंगे डॉलर कर्ली ब्रेसिस, टेम्परेचर के बेसिस पे हम जो है बैकग्राउंड कलर चेंज कराएंगे। टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन जीरो है तब क्या करो, यहाँ पे जो है ना BG डेंजर की क्लास जो है अप्लाई कर दो, एल्स BG इन्फो कर दो, यानी कि हमारे पास लाइट ब्लू कलर हमको देखने मिलेगा। सेव कर लेते हैं इसको, चेक कर लेंगे एक बार। तो देखिए डिफॉल्ट हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से कलर रहेगा। अब इस प्लस और माइनस पर हम काम करेंगे, यानी इस पर क्लिक हो तो माइनस हो, प्लस पर क्लिक हो तो क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा। तो उसके लिए दो फंक्शंस हम क्रिएट कर देंगे टॉप पे, यहाँ पे आपको कमेंट ऐड कर देना है, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कॉन्स्ट हैंडल इंक्रीमेंट इक्वल टू एरो फंक्शन, और इसके अंदर हम सेट कर देंगे टेम्परेचर को, जो भी टेम्परेचर है अपने पास उससे जो है प्लस कर देंगे, टेम्परेचर +1। सेम इसी तरीके से आपको जो डिक्रीमेंट के लिए करना है, तो यहाँ पे आप अगेन एरो फंक्शन बनाएंगे, हैंडल डिक्रीमेंट एरो फंक्शन, और इसमें कर देंगे सेट टेम्परेचर, और इसमें जो टेम्परेचर रहेगा उसको हमको करना है -1। अब ये दोनों फंक्शन को हम क्या करेंगे, इन बटन पे जो है असाइन कर देंगे। तो पहला वाला है माइनस के लिए, तो ऑन क्लिक इवेंट पे काम करेंगे, ऑन क्लिक, इसके ऊपर आपको पास करना है हैंडल डिक्रीमेंट का फंक्शन, सेकेंड वाले के ऑन क्लिक पे हैंडल इंक्रीमेंट। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर, ये रही हमारी एप्लीकेशन, रिफ्रेश कर लें इसको एक बार, और मैं यहाँ पर माइनस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए माइनस बराबर से शो हो रहा है, प्लस पर करूंगा तो देखिए हमारा बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो चुका है, और परफेक्टली यहाँ पर हमारे पास सेल्सियस आ रहा है, देख सकते हैं आप, हम टेम्परेचर को जो है कंट्रोल कर पा रहे हैं। काफी बेसिक एप्लीकेशन है, लेकिन इसमें हमको थोड़ा सा स्टेट का कंसेप्ट जो हमारा और क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो है इसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं, इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं और इसको राउंड भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको कैसे स्टाइलिंग करना है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट में।